वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे SCI के बारे में। इस कंपनी के शेयर के ऊपर मैं पहली वीडियो कई बार बना चुका हूं और मेरी पहली वीडियो थी 13 फरवरी को और उस समय आप देखोगे 80-82 रुपए के आसपास ये शेयर घूम रहा था और मैंने उस समय कहा था आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूव आएगा और ये शेयर 130 रुपए के आसपास तक गया है। उसके बाद एक डाउनफॉल आया, मैंने कई बार बीच में वीडियो बनाई है शेयर के ऊपर, तो मैंने एक लेवल बताया था उस लेवल के आसपास इसने परफॉर्म किया है। अभी के डेट में जो करंट प्राइस है, तो मेरे पास कमेंट आया था किसी का अभी के डेट में क्या करना चाहिए, तो अगर आप देखोगे तो अभी के डेट में अगर ये शेयर 107 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो काफ़ी हद तक चांस है कि आने वाले टाइम में 115 से 120 रुपये तक आपको टारगेट मिल सकता है। अगर 107 रुपए के ऊपर सस्टेन होगा तो आपका टारगेट है 115 से 120 के बीच का टारगेट आपका। और अभी का जो SL है, देखो एक स्ट्रॉन्ग SL आ रहा है, मुझे लगता है कि शेयर अभी के टाइम में 100 रुपए को ब्रेक करेगा अभी के टाइम में, क्योंकि अभी थोड़ा शेयर में एक आज भी देखोगे ये इसका हाई गया था, करीब 109 रुपए तक हाई गया था, तो ये पूरी कोशिश कर रहा है कि 110 को ब्रेक करे, पर फिर भी अभी के लिए जो SL है वो 100 रुपए है। मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी इसमें आने वाले टाइम में होगी। 100 रुपये को ब्रेक करना मुश्किल है, पर याद रखना जब 100 रुपये से नीचे डे की क्लोजिंग देगा तभी आपने को डिसीजन लेना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर, इसका नाम है स्नोमैन। इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, तो लास्ट टाइम आप देखोगे जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो ये 55 से 58 के कई बार बीच में 60 रुपये के आसपास भी शेयर गया था। तब मैंने उस समय कहा था इस समय किसी ने भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिमाग से निकाले, सिर्फ ट्रेडिंग करे अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि इस शेयर को सबसे सही टाइम है 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में बाई करने का। अगर वहाँ से रिकवरी करता तो अच्छी खासी रिकवरी इसमें आपको देखने को मिलती है, पर अभी के टाइम में 43 रुपये इसका प्राइस है। एक बार लेवल देख लेते हैं, अभी के टाइम में देखो 40 रुपये का सपोर्ट है। अगर कोई अभी इसे बाय करेगा तो 40 रुपये के SL के साथ ही इसे बाय करना है। और जो हमारा टारगेट है, देखो अगर 45 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है ये शेयर तो आपको आराम से 50 रुपये तक का ये टारगेट आपको दे सकता है, पर SL आपने 40 का रखना है इस कंडीशन में। और पूरी देखो जो उसका ट्रेडिंग पैटर्न है, यहाँ से पूरे पूरे चांस है कि शेयर यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आपको देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह का की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।